तो आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान की कुछ ऐसे वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर आपको भी लगेगा भगवान सच में होते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल में रख दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गणेश जी इस तस्वीर में साड़ी क्यों पहने हुए हैं, चलो जानते हैं इस तस्वीर के पीछे का राज। पुरानी कथाओं के अनुसार अंधक नाम का एक राक्षस था जो महादेव जी का ही एक पुत्र था। वो माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, इसलिए उसने बलपूर्वक माता पार्वती को अपने साथ ले जाने की चेष्टा की। तब महादेव जी ने अपने त्रिशूल को अंधक के आर पार कर दिया, इससे अंधक का खून जमीन में गिरने लगा और इससे एक राक्षसी अंधक का जन्म होने लगा, बिल्कुल रक्त बीज की तरह। बस फर्क इतना था, रक्त बीज के खून से रक्त बीज ही आता था, लेकिन अंधक खून से अंधक राक्षसी का जन्म होने लगा। और तभी पार्वती कहती है, इस संसार के प्रत्येक प्राणी में दो तत्व पुरुष और प्रकृति यानी नारी तत्व समाई होती है, इसलिए माता पार्वती ने अपने नौ रूप और सभी देवताओं की नारी शक्तियों का आह्वान किया ताकि अंधक के खून को जमीन में नीचे गिरने से रोक सके। तब शिव जी ने शिवानी, ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणी देवी और नारायण ने नारायणी देवी का रूप धारण किया, लेकिन फिर भी वो अंधक के खून को जमीन में गिरने से रोक नहीं पाए। तब गणेश जी ने स्त्री रूप धारण किया और अपने सूंड से सारा खून चूस लिया जिससे अंधक का वध हो सका। विनायक जी के इस अवतार को विनायकी के नाम से जाना जाता है और तमिलनाडु में विनायकी देवी का मंदिर मौजूद है। और ये अनोखी जानकारी जानकर आपको कैसा लगा, यह आप हमें कमेंट में जरूर बताइए और कमेंट सेक्शन में गणपति बापा मोरिया लिखना मत भूलिएगा। कोई भी जगह हो, भगवान अपने भक्तों को मिलने के लिए आ ही जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ न्यूजीलैंड के शिवजी के मंदिर में, जहां पर पूजा करते वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद आपको भी लगेगा भगवान सच में होते हैं। और ये रहा वो वीडियो। दोस्तों, क्या आपने ये देखा, पूजा खत्म होने के बाद शिवजी के पास चढ़ाया हुआ फूल नीचे गिर जाता है। और शिवड़ियों को कई लोगों ने देखने के बाद ये कहा है कि ये एक भगवान का चमत्कार है, और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये कोइंसिडेंट है। और शिवड़ियों को देखने के बाद आपको क्या लगता है, या आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ये वीडियो एक गुफा में रिकॉर्ड किया गया था और इस वीडियो में कुछ लोगों को एक गुफा के अंदर से शिवलिंग दिखाई देता है और ये शिवलिंग सूरज के रोशनी से एक चेहरा बनाता है। कहा जाता है कि वो चेहरा और किसी की नहीं बल्कि महादेव की है। और ये गुफा का वीडियो कुछ देशों में वायरल भी हो गया था। और ये रहा वो वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है, क्या वो चेहरा महादेव का था, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये वीडियो 6 साल पहले हैदराबाद में रिकॉर्ड किया गया था जब विसर्जन के टाइम लास्ट आरती चल रहा था। फिर तभी गणेश भगवान की जो मूर्ति है वो अचानक नीचे गिर जाती है। और ये रहा वो वीडियो। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी मूर्ति नीचे गिरने के बावजूद वहाँ खड़े लोगों में से एक को भी कुछ नहीं होता, और ये सब गणेश भगवान जी का चमत्कार था या फिर कुछ और, या आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, ये वीडियो हनुमान जी के मंदिर में रिकॉर्ड किया गया था और इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि एक व्यक्ति हनुमान जी के मंदिर में साफ सफाई कर रहा था, लेकिन तभी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपको भी लगेगा हनुमान जी आज भी जीवित है। तो ये रहा वो वीडियो।
जब वो व्यक्ति साफ सफाई कर रहा था तभी हनुमान जी का गदा हिलने लगता है। ये देखकर वो व्यक्ति उस गदा को उसी जगह रख देता है और कुछ सेकंड के बाद वो गदा फिर से हिलने लगता है। अगर आप बजरंगबली के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, इससे आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।